पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहां हर आम आदमी का नाता होता है, पर लगातार बढ़ती कीमतें आम आदमी की परेशानी की वजह बन रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपको राहत दे सकती है। कच्चे तेल की कीमतें पिछले 6 महीने के दौरान 42% बढ़ चुकी हैं। फिलहाल ये $65 प्रति बैरल मिल रहा है। इसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। फिलहाल पेट्रोल और डीजल GST के दायरे से बाहर है। ऐसे में इन्हें GST में शामिल करना एकमात्र रास्ता हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी को इनकी बढ़ती कीमतों से बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल और डीजल के GST के तहत आने से इनकी कीमतें 45 से 55 रुपये प्रति लीटर के बीच हो सकती है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में GST में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट 28% है। अगर ये टैक्स रेट लगाया जाता है तो इनकी कीमतें 55 रुपये के भीतर सिमट सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम नागरिक के लिए ये खबर बड़ी ही राहत देती है। राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।